रविवार को मूसलाधार बारिश से देहरादून का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के कारण लेंसडाउन चौक और बुद्धा चौक में जल भराव होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान नालिया चौक होने की वजह से भी दूषित पानी सड़कों पर बहता रहा। इससे स्मार्ट सिटी का दावा करने वाली सरकार की पोल भी खुल गई। लेंसडाउन चौक स्थित बस स्टैंड के आसपास का बुरा हाल रहा। भारी बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई। एशले हॉल चौक, बुद्धा चौक, लेंसडाउन चौक की ओर जाने वाले मार्ग में जगह जगह पर पानी भरा रहा। चमोली में जनशक्ति मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी का मालिक हजारों लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली के सैकड़ों पीड़ित ग्राहकों और एजेंटों ने चमोली एसपी श्वेता चौबे से इंसाफ की गुहार लगाई। चमोली जोशीमठ और गोपेश्वर थाने में मालिक कपिल देव राठी सहित अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं गोपेश्वर आय सर्किट हेड संजीव धामा ने पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा है कि 15 दिनों के अंदर वो सभी एडवाइजरों को चेक दे देंगे, जिसके बाद जो खाते फ्रीज किए गए हैं उनको खोल दिया जाएगा। जो यहाँ के ग्राहक हैं उनका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न इस सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। विगत एक साल से, विगत 9 साल से सोसाइटी पैसा दे रही थी, निसंदेह दे रही थी, लेकिन विगत उसके बाद ये प्रॉब्लम आने शुरू हुई है। और दूसरा ट्रेंड हमने इस सोसाइटी में रख के ये देखा हुआ है कि सोसाइटी को भारत सरकार ने पूरे 12 राज्यों में अथॉरिटी दे रखी है कि आप अपनी सोसाइटियों की ब्रांच खोलिए और आप इस तरह का वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। लेकिन समस्या अब ये है कि बहुत सारी 12 राज्यों का आप गहन अध्ययन करेंगे, चलो उत्तराखंड का ही अध्ययन करेंगे, तो कई सारी ब्रांचें ऐसी हैं जो 1-2 साल चला दी जाती हैं और उसके बाद बंद कर दी जाती हैं। उसके पीछे सोसाइटी के जो कर्ता धरता है उनका उद्देश्य ये होता है कि लोग अपना पैसा भूल जाएं और इस तरह से धीरे धीरे करके हम ब्रांचें बंद करते रहें और बहुत मोटी रकम इस पूरे प्रदेश से ले जाएं। जनशक्ति मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके कुछ ऑफिसेज जो हैं गोपेश्वर, चमोली, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में ऑपरेशनल थे। और जो कुछ एजेंट्स, एडवाइजर्स और जनता के लोग भी जो हैं वो आए थे और उन्होंने बताया कि उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है और इसमें उनके पैसे ले लिए गए हैं, परंतु जो उनके रिटर्न्स मिलने थे वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो चूंकि पहले ही हमारे पास इसकी शिकायत आ गई थी तो 3 अलग अलग थानों में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत है, गोपेश्वर थाने में, चमोली थाने में और जोशीमठ में, और उसमें विवेचना की जा रही है। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में दूसरी जाति की युवती के साथ विवाह करने पर एक दलित युवक की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बिंदु खता के कार रोड में जुलूस निकालकर जातिवादी मानसिकता के लोगों का पुतला दहन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने सरकार से मृतक जगदीश चंद्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आपको बता दें कि सवर्ण युवती से विवाह करने पर दलित युवक की महिला के परिवार वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उत्तराखंड का संपूर्ण शिल्पकार समाज बहुत आहत है। कुछ समय से उत्तराखंड में जातिवादी मानसिकता बहुत अधिक बढ़ चुकी है और बहुत ही अधिक जघन्य घटनाएं और हत्याएं उत्तराखंड में होती आ रही हैं। इसी कड़ी में अभी जगदीश की जो हत्या हुई है वो भी एक निंदनीय घटना है, दर्दनाक घटना है। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है क्योंकि SC ST एक्ट को इन लोगों ने बड़ा लचीला कर दिया है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, केंद्र सरकार से सबसे बड़ी मांग ये करते हैं कि SC ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं जितने भी उत्तराखंड के अंदर ऐसे अपराध हो रहे हैं, ऐसी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोगों को कम से कम कड़ी से कड़ी सजा दें और एक पूरा शिष्टमंडल अनुसूचित जाति के उत्तराखंड का पूरा शिष्टमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से वार्ता करें। यदि ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो अंतर्कलह की संभावना जताई जा रही है, आने वाले समय में युद्ध की संभावनाएं जताई जा रही है, गृह युद्ध जो होने की संभावना है यही से स्टार्टिंग हो रही है।